नमस्कार, मैं हूं पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉर्ट्स। इलेक्शन के चलते टीएमसी और बीजेपी के बीच त्रिपुरा में बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। मानो त्रिपुरा में अब बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। दरअसल टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट सयानी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने हत्या की कोशिश करने के आरोप में धारा 307 153 के तहत अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी भी दिल्ली के लिए निकल चुकी है। वहीं टीएमसी के 15 सांसद भी रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मामला दरअसल ये है कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी त्रिपुरा में उनके बड़े नेताओं की रैली नहीं होने दे रही है, और यही वो वजह है जिसके कारण टीएमसी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा में निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है। सयानी घोष की गिरफ्तारी के बाद जब टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी रविवार को त्रिपुरा जा रहे थे तो उनकी फ्लाइट को अगरतला में उतरने से रोक दिया गया, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा में हुई इस घटना को ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम बिप्लब कुमार को टैग करते हुए उन्हें काफी भला बुरा कहा। उन्होंने लिखा कि सीएम बिप्लब कुमार बेशर्म हो गए हैं और अपनी बेशर्मी पर उतर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी पालन नहीं कर रहे हैं सीएम बिप्लब कुमार। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि त्रिपुरा में अब लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी और टीएमसी में ये बवाल क्यों और कैसे शुरू हुआ। दरअसल 20 नवंबर को टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट सयानी घोष अपनी कार से जा रही थी। इसी दौरान सीएम बिप्लब देव एक मीटिंग कर रहे थे, तभी सयानी घोष ने सीएम बिप्लब देव पर ये ट्वीट किया कि त्रिपुरा की मुख्य पार्टी की सभा में केवल 50 लोगों ने ही भाग लिया, इससे ज्यादा संख्या तो हमारे उम्मीदवारों की बैठक में देखने को मिलती है, और कहा कि त्रिपुरा की जनता जल्द ही गुंडा राज खत्म करेगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या था। इस वीडियो में उनके बयानों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता उनकी कार का पीछा करते नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच बीजेपी के एक कार्यकर्ता से सयानी घोष की बहस हो जाती है। इस वीडियो में सयानी घोष अपने साथियों से इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए कहती हैं। टीएमसी का कहना है कि रविवार को अगरतला के एक पुलिस स्टेशन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कर्ताओं को पीटा, हालांकि बीजेपी ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। टीएमसी के मुताबिक त्रिपुरा पुलिस उस होटल में पहुंचती है जहां सयानी घोष ठहरी थी, और उन्हें बिना वजह बताए पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। लेकिन जब सयानी घोष के साथ कुणाल घोष समेत टीएमसी के और भी कुछ नेता अगरतला थाने पहुंचते हैं, तो टीएमसी के मुताबिक करीब 25 भाजपा कार्यकर्ता हेलमेट और लाठियों के साथ थाने में घुसकर उन पर हमला कर देते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो के काफिले पर भी हमला हुआ। बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोगों को बताया कि अगरतला में बीजेपी के लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके, और जब वे बाहर निकले उनसे सवाल जवाब करने पहुंचे तो सभी मौके से फरार हो गए। सुप्रियो ने लिखा कि आज एक हिंसक भीड़ से मेरा सामना हुआ, मुझ पर पत्थर फेंके गए, और जब मैं अपनी गाड़ी से बाहर उतरा तो वे सभी लोग डरपोकों की तरह भाग गए। ये शर्म की बात है कि बीजेपी राजनीति की हिंसा की बात करती है और खुद त्रिपुरा में वही करती नजर आ रही है। सुप्रियो यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगला ट्वीट किया और बीजेपी को पीठ में छुरा भोंकने वाली पार्टी कहा। अगली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड अब कोविड फ्री हो चुका है। उत्तराखंड में जो भी कोविड 19 को लेकर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे वे सभी हटा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर जो भी SOP जारी किया था उसे भी निरस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे प्रदेश में हर घर दस्तक के तहत टीकाकरण शुरू कर दिया है, जिसके तहत आशा वर्कर अब घर घर जाकर टीके के बारे में जानकारी लेंगी।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 12 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि राज्य में फिलहाल 179 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। खबरों में कहा गया है कि आशा वर्कर तमाम घरों में जा जाकर ये जानकारी ले रही है कि किसने वैक्सीन लगवाई है और किसने नहीं। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगा और राज्य सरकार आगे इस पर एक्शन लेगी। आपको बता दें कि प्रतिबंध खत्म होने के बाद सरकार ने कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिन पर अभी रोक नहीं लगाई है। पब्लिक प्लेस या वर्क प्लेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है। पब्लिक प्लेस पर 6 फीट की दूरी रखना भी अभी भी अनिवार्य कर रखा है। पब्लिक प्लेस पर तंबाकू, गुटखा या पान आदि के सेवन पर अभी भी मनाही है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना भी लगा सकती है सरकार, ऐसी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी जो उत्तराखंड सरकार ने अभी भी जारी कर रखी हैं, जिनके तहत लोगों को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल प्रतिबंध हटाए हैं, गाइडलाइंस नहीं। अब उत्तराखंड में लोग कोरोना फ्री हो चुके हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए डेली शॉर्ट्स।